चौहान है जो कि एम्स में डॉक्टर है, वह हर साल यहाँ आती हैं और इसके बारे में हमें कुछ बताएंगी। चलिए मैम आप बताइए, आप हर साल यहाँ आती हैं? हर साल यहाँ आते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है कि हमारा पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होता है। ये सिर्फ हमारे समाज का नहीं पूरे देश का त्यौहार है और हम सबको यहाँ इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान सिर्फ किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनाया है, और व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए बनाया है, पूरे समाज के लिए, औरतों के लिए, दलितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ इकट्ठा हो, सरकार को पता लगे कि ये एक एजुकेटेड समाज का त्यौहार है, एक जानने वाले लोगों का त्यौहार है जो जानते हैं, समझते हैं कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है। मैम पहले यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती थी, बहुत सारे बाबा साहब के गाने बजाए जाते थे, लेकिन सरकार ने उसे बैन कर दिया है, ऐसा क्यों किया गया? सरकार हमारी संख्या से डर रही है, घबरा रही है, सरकार देख रही है कि कितने एजुकेटेड लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, सरकार यही चाहती है कि हम लोग दबे कुचले रहें, अंग्रेज जैसे अंग्रेजों के ज़माने में थे वैसे भी आज ही दबे कुचले रहें, ताकि अच्छाई समझ में ना आ सके, हम लोग समझ ना पाएं गलत क्या है सही क्या है, इसलिए धीरे धीरे हमारी संख्या को कम करने के लिए सब साजिश हो रही है। ये सारी मनुवादी सरकार है ऐसा बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि मनुवादी सरकार दलितों को अपने सामने लाने नहीं देगी, अपने सामने खड़ा होने नहीं देगी, तो इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल सही बात है, ये मनुवादी सरकार है, आरएसएस की सरकार है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लोग ना पहुंचे यहाँ तक संसद में, वो हम लोगों को, दलितों को, बहुजनों को देखना नहीं चाहते हैं, सच्चाई यही है। और ये देखिए ये कितनी बड़ी साजिश है कि वो हमें वैसे भी नहीं आने देते हैं, और बाबा साहब ने हमारे लिए आज का दिन खोला तो उसने भी नहीं आने देते हैं, वो भी बंद कर दिया धीरे धीरे, हमारी संख्या को देख के घबराते हैं, इसलिए हर दरवाज़ा हमारे लिए बंद कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए दरवाजे खोल के गए हैं जो कहीं बंद नहीं हो सकते, जो संविधान में लिखा हुआ है, जिसे बदल नहीं सकते, जैसे वो लोग कहते हैं गीता कुरान में लिखा है, हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, वो भी कहीं बदला नहीं जा सकता। बाबा साहब का कहना था कि आरएसएस का जो जन्म हुआ है वो स्पेशली दलितों को रोकने के लिए हुआ, बाबा साहब के संविधान को रोकने के लिए हुआ है, और आज इससे कई लोग जुड़े हैं, उनके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो आरएसएस भी एक तरह का आतंकवादी संगठन ही है, क्योंकि वो लोग अगर आप किसी के खिलाफ कार्य करते तो आतंकवादी है, आप अपने ही समाज में रहते हो, लोगों को चलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उनको अपने नीचे काम कराना चाहते हैं, तो ये एक मनुवादी सोच ही है, और मनुवादी सोच सकता है इस बारे में। बाबा साहब ने सबको एक से समान चलाया, बाबा साहब के लिए ब्राह्मण भी हो, बाबा साहब के लिए दलित भी हो, कोई भी हो, बाबा साहब के लिए सभी एक थे, लेकिन बाबा साहब ने कभी किसी को अपने से अलग नहीं किया, समाज को अलग नहीं किया, समाज को जोड़ने की कोशिश की, मनुवादी सोच है आरएसएस की, इसीलिए वो लोग हमको हमसे अलग समझते हैं, और नीचा ऊँचा उन्हीं के ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में नहीं है, हमारा ग्रंथ संविधान है, हमारे ग्रंथ में समानता को दिया गया है, समानता को अवसर दिया गया है, और उनका उनके ग्रंथ में ऊंच नीच को दिया गया है, तो हमारी सोच उस तरह की नहीं है, हम लोग मनुवादी नहीं है, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। मैम आपको क्या लगता है कि कितने लोग बाबा साहब के इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने बनाया था कि सभी लोग एक समान हैं, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, हमें जानवरों से बदतर मान के चलते थे दलित समाज को, लेकिन आज वो सामने आ रहा है, कितने लोग इससे जुड़े हैं आपके अकॉर्डिंग? लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो आवाज़ उठाते हैं कुचला जाता है, बदायूं के केस देख लीजिए आप, यूपी में देख लीजिए कहाँ कहाँ केस हैं, अभी प्रियंका रेड्डी का जो केस हुआ है वो, क्योंकि एक देखिए सबकी बेटी एक समान है, लेकिन वो केस इतना उजागर क्यों हुआ, उन्नाव का केस इतना उजागर क्यों नहीं हुआ, आखिर जला ही दिया ना उसको, जला के ही माने ना, तो यही सब चीज़ें हो रही हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं लेकिन जुड़ने वालों को दबाया जाता है, उन्हें कुचला जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता, उन्हें अपने अपने इलाकों में किसी ना किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है ताकि लोग आगे ना बढ़ें, ऐसे तो बहुत लोग जुड़े हैं अम्बेडकरवाद को, तो इवन जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी मानते हैं, समझते हैं कि वो सही है, लेकिन घबराते हैं, सच बोलने से घबराते हैं। मैम प्रियंका रेड्डी के केस में काफ़ी लोग सामने आए हैं, इनफैक्ट दलितों ने भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, लेकिन जो दूसरी जगह उन्नाव में केस हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि वो दलित समाज था, दलित समाज की बेटी के साथ हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं आया, मतलब कि उस केस को भी इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है, तो इस बारे में आप हमें बताएंगे? देखिए ये बहुत ही दुख की बात है कि वो बेटी भी किसी ना किसी की बेटी थी, हम लोग भी प्रियंका रेड्डी के लिए खड़े हैं, हमें भी उतना ही दुख हुआ उसके लिए, उन्नाव केस हुए हुए आज कितना टाइम हो गया, आखिरकार उसको जला ही दिया गया, उसको मारने की पूरी पूरी कोशिश की गई लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे, आज भी वो सेंगर जो है विधायक है उनका, उन्होंने उसको अभी तक नहीं निकाला है, और क्यों नहीं निकाल रहे, चिन्मानंद भी है, क्यों नहीं इस बीजेपी, आप देख एक बात सुनिए, जो बिल्कुल गंभीर लोग थे जिन्होंने गंभीरता के साथ रेप किया उन सबको बीजेपी ने टिकट दी,
विधायक बनाया, संसद में बिठा दिया, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर जब दोषी लोग ही संसद में जाके कानून बनाने बैठेंगे तो वो किसका साथ देंगे? वो तो दोष करने वालों को बचने का रास्ता दिखाएंगे, ना कि दोषियों को सजा देने का रास्ता दिखाएंगे। तो गलती हम जैसे लोगों की है, हम लोगों को, बहुजन, हम दलित समाज को सोचना चाहिए कि अपने ही लोगों को उठा के संसद तक पहुँचाए, ताकि सही रास्ते पर जो बाबा साहब हमें देखेंगे संविधान, उसका सही उपयोग कर सके। हम गलत लोगों के हाथ में गलत अधिकार दे रहे हैं। दूसरे समाजों में, दूसरे देशों में रेपिस्ट के साथ जो अत्याचार, मतलब जिस तरह का सल्यूक किया जाता है, वैसा भारत में क्यों नहीं होता? यहाँ पे रेपिस्ट खुलेआम घूमते हैं, बल्कि दूसरे देशों में सरेआम गोली मार दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि वो रूल यहाँ पे लागू होना चाहिए? इसके पीछे बहुत पुरानी प्रथा है मनुवादी में, जैसे आप समझते हैं इनके ग्रंथों में रंभा का, उर्वशी का जिक्र आता है। ये लोग शुरू से ही रेप को प्रमोट करते आए हैं, ये लोग रेप को प्रमोट करते हैं। अब ब्रह्मा ने अपनी बेटी का रेप किया तो प्रमोट करते हैं ना, आज ही पूजा करते हैं ना उसकी, तो इनकी तो प्रथा में ही है, आप उसको बदल नहीं सकते। इसलिए लोग रेप को प्रमोट करेंगे, रेप होते रहेंगे, और दलितों को रेप करना तो अपना अधिकार समझते हैं। देवदासी आज भी है ना केरल में, देवदासियाँ आज भी हैं, तो क्या है, वो रेप ही है ना। वो एक समाज से सहमति लेने के बाद रेप किया गया है, वो रेप आज भी चल रहे हैं।